मेरे भाव से जितने भी यहाँ पे सम्मानित पदाधिकारी हैं, ये मेजबान ब्लॉक के मेरे सम्मानित उपाध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, संयुक्त मंत्री, एक ऐसा सरप्राइज तोहफा था कि मैं अपने आप में पहुंच चुका हूँ। मुझे ये तो पता था कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा सरप्राइज जनपद नैनीताल देगा। एक यहाँ तो कुछ मेरे सीनियर सिटीजन ही खेवनहार थे, मेरे भाई नारायण चौहान जी, जो झंडा डंडा अकेले लेके चलते थे, राम सिंह चौहान, दो चार साथी और भी थे, लेकिन इतना बहुमत देना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो विश्वास आपने मेरे पे जताया, मैं राम सिंह चौहान इस मन से आपको विश्वास देता हूँ कि मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं आपका ही नहीं, मेरे पूरे समुदाय ने जितना परसेंट बहुमत मेरे को दिया है, क्यों दिया मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँगा ये भी कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आपने बहुत जिद्दी आदमी को चुना है, और जिद मैं जब पकड़ता हूँ तो मैं उदाहरण आपको दे दूँ, मेरे समझ से मंत्री भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, सचिव भी वही है, अपर सचिव भी वही है, डीजी भी वही है। कुछ बदला? केवल क्या बदली? कार्यकारिणी बदली। कुछ काम रुक रहे हैं? लग रहा आपको कुछ रुक रहे हैं? कभी सुना आपने कि स्वयं मंत्री जी बोल रहे कि बैठक करो मेरे साथ? कभी हुआ? पिछली बार आप देखते होंगे कि हाँ बैठक होगी, तब तक पीछे से आता था वो व्यस्त कार्यक्रम के कारण आज क्या नहीं हुई, बैठक नहीं हुई। आज वो बोल रहे हैं बैठक होगी, बिल्कुल तय समय में हो रही है। आप ताजुब करेंगे, मंत्री जी भी ठीक 11:30-12 बजे हमारे यहाँ। तो डरते नहीं, डरता कोई किसी को देख के नहीं है। मैंने कहा केवल जो कार्य संस्कृति होती है, जिसे आप नैतिकता कहते हैं, अगर आपके अंदर कार्य संस्कृति है और आपके अंदर नैतिकता है, तो जो डर है वो शरीर का नहीं है, वो नैतिकता का डर है। वो कहीं ना कहीं आपकी कार्य संस्कृति का डर है कि ये समुदाय, जिस समुदाय को पहले कहते थे हमारे मंचों में हर नेता आता था, और जो वरिष्ठ लोग यहाँ पे उनका भाषण कहाँ से शुरू होता था, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, कि सरकार का रास्ता शिक्षकों से होके जाता है, जो विगत 6 सालों में क्या हो गया था, गायब हो गया। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो समय लौट के आ रहा है, अरे सब आपकी ही देन है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि थोड़ा सब्र की कमी कहीं ना कहीं हमारे पास है। मुझे बहुत अजीब और गरीब स्थिति, कुछ चीजें कभी होती है। देखो हम भी इंसान हैं, मैं परिवार से बात कर रहा हूँ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष की हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा घर परिवार है, कहीं थोड़ा बहुत अपना जीवन है, कोई बात नहीं अपना जीवन ना हो, लेकिन अगर उत्तराखंड का हर सदस्य अपने सीधे प्राण से बात करेगा, तो मैं समझता हूँ मेरी ब्लॉक कार्यकारिणी है, जो जनपद कार्यकारिणी है या मंडल कार्यकारिणी है, उनका औचित्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक कार्यकारिणी कभी भी संगठन नहीं हो सकती है। अभी नमिता मैम कह रही थी कि आप ऊपर छत में बैठे हैं और आपका साया हमारे पे होगा, तो मैं तो कहता हूँ सबसे खोखला है ऊपर, जो ऊपरी छत होती है सबसे खोखली है, सबसे मजबूत छत किसकी है, जो नीचे सबसे नीचे बैठा है, अगर उसने ईंट खोदनी शुरू कर दी तो नीचे एक सेकंड नहीं लगेगा कि कब धराशायी होगा। तो नीचे का स्तर, मेरा जो सामान्य सदस्य सबसे मजबूत है, उसके बाद जो मेरा शाखा सदस्य है वो सबसे मजबूत है, मेरे ब्लॉक सदस्य सबसे मजबूत है, जनपद है, तब मंडल है, तब जाके प्रांत है। अगर मेरी हर इकाई मजबूत होगी, मैं खुश उस दिन होऊंगा, मैं समझता हूं कि मैं अच्छे मार्ग जा रहा हूं। जिस दिन मेरा ब्लॉक अध्यक्ष कोई एबीओ स्कूल में आता है, किसी शिक्षक को धमकाता है या किसी शिक्षक को प्रताड़ित करता है, तो दूसरे दिन उस ब्लॉक में ताला लग जाए, तो मैं समझूंगा मैं सफल अध्यक्ष हूं। अगर मेरे जनपद में किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे जनपद के छोटे मोटे हुए हैं, देखो मैं हुआ क्या कि जो पिछले पाप है उन्हें हम ढो रहे हैं, मैं पाप ही कहूंगा, और उसके कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन को उसी ढरे पे लाने पे, संगठन का जो आत्मसम्मान था, जो गौरव था, जिसे संगठन कहते हैं, संगठन की जो परिभाषा है,
वो समाप्त हो चुकी है, उसे वापस लाने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं जब तक मेरे घर का हर सदस्य अनुशासित नहीं होगा, मेरी हर कार्यकारिणी का सम्मान नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छे संगठन की बात कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूं वो कह रहा है कि ट्रांसफर ने ऐसे जंजाल हमारे लिए पैदा कर दी। देखो किस स्थिति में हम लोग खड़े, मैं आपसे बहुत स्पष्ट, मैंने कहा मैं एक परिवार के सदस्य, बहुत बड़ी 32 साल मेरी सेवा हो गई है और 3.5 साल बाद मैं भी सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। कितना दुर्भाग्य है कि मैं प्रवक्ता लगा था और प्रवक्ता क्या हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, भला वेतन मुझे 1.5 लाख मिलता है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसी स्थिति हुई, जब मैं पूर्व में अध्यक्ष था, आप ताजुब करेंगे जितने भी आज के आपके प्रिंसिपल हैं सब मेरे साथी हैं, मेरे बैच के हैं, मेरी लिस्ट के हैं। इनका हो गया एक रात का हेडमास्टर, मेरे समय उस समय क्या बना था 7600 ग्रेड में मैं प्रिंसिपल बना था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आज 56-57 साल की उम्र में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा। क्यों, मुझे भी क्या होना था, प्रिंसिपल होना था, लेकिन 6 साल से ऐसा सूखा छाया कि प्रिंसिपल तो दूर, शिक्षकों पे मनमाने आदेश थोपे गए, जिसकी मर्जी आई उसने आदेश थोपे। मैं आज जो मैं समझ रहा हूं, न तो हमारा मंत्री खराब, इतना सकारात्मक मंत्री तो मैंने देखे भी नहीं, अरविंद पांडे जी भी हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। आपने पिछली बार जो 1740 की जो काउंसलिंग शुरू हुई तो अरविंद पांडे जी ने की थी और मैंने पकड़ के उन्हें कहा था कि सर करवाए और उन्होंने करवाई थी, तो मैं उन्हें कैसे खराब, उनके साथ बहुत कम समय मुझे मिला था। आदरणीय धन सिंह जी आपके बीच भी कल आएंगे, देखो उन्होंने आग्रह हमारा स्वीकार किया, वो मिलना चाहते हैं आपसे, रूबरू होना चाहते हैं। विसंगत जाति के मंत्री कुछ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, मंत्री तो रोज बोल रहा अध्यक्ष जी क्या चाहिए। उन्होंने कल परसों ही, मैं परसों आपको बात करूं, जैसे ही यात्रा अवकाश का आदेश निकला उन्होंने तुरंत का अगला नंबर हमारा पदोन्नति का और जो हमारे अंतरमंडल के साथी हैं और उनको स्टेट कार्डर घोषित करने का होगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आदरणीय मंत्री मेरे वो नहीं है, ये मंत्री जी की वो है। मंत्री जी ने स्वयं फोन करके मुझे बताया कि अध्यक्ष जी बहुत जल्दी मैं ये करने वाला हूँ। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, आप कुमाऊँ आ रहे हैं, नैनीताल आ रहे हैं और वहाँ मन से आप एक घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे जो शिक्षक का है उसका उत्साह बढ़ेगा और जो जिस बच्चे के लिए हो पूरी ऊर्जा के साथ उसके लिए काम करेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। हमारे सचिव स्वयं बात कर रहे हैं, मैं परसों जब सचिवालय गया आप ताजुब करेंगे, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे महामंत्री जी को बोल रहे थे, योगेंद्र यादव जी बहुत कड़क आदमी है, फौजी है, कि आपने देर कर दी, जल्दी आना चाहिए था, हमने बोला था आपको रोज आओ आपसे मिलो बात करो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारा। अधिकारी सचिव साहब रमन साहब बोलते कि रमन जी बात ही नहीं करते, आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने स्वयं हमें बुलाया, 35 बिंदुओं का मांग पत्र था, 3 बिंदु कट हो गए थे, हम इस पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसलिए कहा कि जब बैठक शुरू हुई थी मैंने बहुत विश्वास शब्दों में जितने भी अधिकारी वहां पे बैठे हुए थे मैंने जो होना है यस और नहीं होना है तो नो, ये नहीं कि प्रस्ताव नहीं भेजेंगे हाँ या ना। और उसी हाँ ना में उन्होंने कहा था कि आप और महामंत्री जी प्रत्येक बिंदु का अलग अलग उसकी समरी बना के विवरणात्मक चार्ट तैयार करके मुझे देंगे और मैं हर बिंदु का क्या कराऊंगा निस्तारण करूंगा। तो हमें इससे बड़ा सौभाग्य, मैं क्यों विरोध करूं अपने सचिव का, मैं क्यों विरोध करूं अपने मंत्री का, मैं क्यों विरोध करूं अपने महानिदेशक का जिन्होंने बिना किसी के सीधा आपका आदेश कर दिया यात्रा अवकाश का, ऐसा होता है यात्रा अवकाश किया है ना, किया है। हाँ एक बड़ा सवाल, अगर कोई नकारा है तो मेरे विभागीय अधिकारी हैं और मैं इनकी नींद उड़ा दूंगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। मैंने साफ कहा है, उन्हें साफ इस शब्दों में कहा है कि मेरी प्रांतीय कार्यकारिणी ने ताला खरीद रखा है, कभी भी बंद करेंगे और तुम्हें अंदर, आप पूछ सकते हैं अपने एडी से पूछ सकते हैं जो आपके एडी हैं, चलो बेचारे बहुत सज्जन आदमी मेरे मित्र भी हैं। मैंने कहा हमने ताला खरीद रखा है, अगर तुमने हर बार शासन को ही भेजनी है इस निदेशालय का औचित्य क्या, छोटी सी बात छींक आएगी शासन को भेज दी, जुकाम हो गया शासन को भेज दिया, जब सब शासन ही भेजना तो विभाग किस लिए, उसके लिए बताओ क्यों बोल रहे हैं हमारे साथ।
परसों सचिव साहब का कहना था, मैं और महामंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि एक ट्रांसफर आप लोग मेरे पास ला रहे हो, मंत्री जी के पास ला रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपका महानिदेशक और आपकी जो डायरेक्टर है इसे सुलझा सकती है, जो गलत हुए हैं उनका संशोधन करने में क्या दिक्कत है, जिन्हें विकल्प नहीं दे उन्हें विकल्प मांगने में क्या दिक्कत है, अगर दुर्गम का साथी दुर्गम में रोकना चाहता है तो उसे रोकने में क्या दिक्कत, जो एकल दंपति है उसकी नीड है, जो एकल दंपति उसकी आवश्यकता है उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है, आप इसके लिए हमारे पास ला रहे हैं। तो उन्होंने बहुत विश्वास कहा कि आप सूची मुझे दें और मैं निश्चित रूप से उस पर क्या करूंगा, बात करूंगा, बात ही नहीं करूंगा उसे निस्तारण भी करूंगा। तो मैं कैसे उन्हें खराब मानूं, खराब तो हमारी जो मेन जैसे कहते हैं मेन शाखा है वो क्या मुख्य शाखा है, वो क्या हमारा निदेशालय है, हमारा क्या एडी कार्यालय, और उनकी गलती नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, गलती किसकी है, मेरे ब्लॉक कार्यकारिणी की, मेरी किसकी जनपद कार्यकारिणी की, मेरी किसी मंडल कार्यकारिणी की, कि हमने उन्हें आवास ही नहीं कराया है, उन्हें डर ही नहीं है। मैंने कहा ना, जब मेरा ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री किसी शिक्षक को प्रताड़ित होने पे या ब्लॉक स्तर के काम न होने पे दूसरे दिन ब्लॉक मुख्यालय बंद करेगा, मैं समझूंगा मैं क्या हूँ, बहुत बड़े संगठन का क्या हूँ अध्यक्ष हूँ, मेरी जनपद कार्यकारिणी ऐसे करेगी, मंडल भी ऐसे करेंगे, आप देखना आपका संगठन जहाँ आज देखो ना, यात्रा का किसने निकाला हमने, लाभ कौन लेगा आपका प्रिंसिपल, लाभ कौन लेगा आपका लिपिक जो संवर्ग है वो भी देगा ना, आपका जो फोर्थ क्लास है वो भी देगा, आपके जूनियर वाले हैं वो भी लेगा, आपका प्राइमरी वाला वो भी लेगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत होगी, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो चलो हम मान के चलें कि उसकी दुआएं हमें लग रही है, या तीन स्पेशल लीव मिल रही है तो मिल तो सबको रही है, तो प्राइमरी को मिल रही है, सबको मिल रही है, कोई माने न माने वो दूसरी बात है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सेवानिवृत्त हो जाना है, न मैंने चुनाव लड़ना, मैं चाहता तो आराम से घर बैठ सकता था, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो युवा है अभी देश विभाग में आए हैं और उनके एक जिज्ञासा रहती थी, कहते थे कि सर आप राम सिंह चौहान है, राम सिंह चौहान कौन है, मैंने कहा मैं ही हूँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब जब सर्विस बुक के पन्ने खुलेंगे और जिस दिन आप वो क्या करेंगे राजपत्र जब किसी को अटैच करेंगे तो समय आपको जरूर याद आएगा, मेरा प्रांतीय अध्यक्ष कौन था, प्रांतीय महामंत्री कौन था, संयुक्त मंत्री कौन था, रोक मंत्री, बहुत अच्छी मंशा लेके, ये तो ट्रेलर है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, देखते रहे ना ये ट्रेलर है, अभी बड़े बड़े धमाके, अगर मुझे विश्वास हम करेंगे निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ये भी बोल दूं, मेरे जितने भी कार्यकारिणी कयोग संघ का हो रहा है साथ में था या नहीं, कम से कम मेरे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी नियति है ही नहीं, क्योंकि लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड के हर सदस्य का मेरे पे क्या है उतने अधिकार है जिसने मुझे वोट दिया या जिसने किसी दूसरे को दिया, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं है। आप अगर मेरे को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं अगर उनसे पूछें आप, मैं बल्कि उसका बहुत सम्मान करता हूँ, उसे सबसे पहले गले लगाता हूँ जो मेरे साथ नहीं था। तो ये कोई बात ही नहीं रह गई जो इस तरह की राजनीति आज संगठन में हो गई, मेरे साथ नहीं था देख लूंगा, मेरे साथ नहीं था वहां हराऊंगा, जब स्वयं तुम जीत नहीं सके तो तुम कैसे किसी को जिता सकते हो और कैसे किसी को हरा सकते हो, कर ही नहीं सकते। हाँ पवित्र भावना है, संगठन हमारा परिवार है, अगर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं होंगे तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा, हम मिलते कैसे, अगर चुनाव नहीं होता हम इतना शानदार आयोजन कैसे होता, हम एक दूसरे को कैसे जानते, एक दूसरे की बात कैसे शेयर करते, ये तो माध्यम है मिलने का। मैंने कहा हमें एक परिवार के लोग हैं, ठीक है हमारी जो दुष्ट प्रवृत्ति के और जाति धर्म आदि आदि की बातें करते हैं, शिक्षक को तो सारी चीज़ें शोभा भी नहीं देती हैं, अगर अपने को शिक्षक मानता है, मेरे को तो मैं आप ताजुब करेंगे, मेरे को लोगों को पता नहीं कि मैं हूँ क्या, मेरे को कई लोगों में पीटे वो देंगे, तो परसों में बोल रहा सबको मैं आप फिजिकल वाले हैं, आप हमारे फिजिकल वालों मामले नहीं रख रहे हो, तो पहचान काम से होनी चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि मेरे नाम से हो, मेरी जाति से मेरी पहचान हो, मेरे क्षेत्र से मेरी पहचान हो, तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। मेरा मैंने कहा मेरे सब प्रिय हैं और मैं बहुत इस पर शब्दों से इस मन से कह दूं कि चुनाव में प्रतिभाग हो ही करना जिसके अंदर दम हो, दम अहंकार वाला दम नहीं, किसका अहंकार लड़ना भिड़ना नहीं है हमने, मैंने मेरा
जिस तरह मेरे मेरी कार्यकारिणी है, मेरे लिए कोषाध्यक्ष भी अध्यक्ष के बराबर है, मेरा संयुक्त मंत्री भी अध्यक्ष के बराबर है, मेरा उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष, मैं कभी इन लोगों को नहीं छोड़ता हूँ। मेरे पिछले कार्यकारिणी थी पूज्यलाल चौधरी जी को, मैंने सबको बराबर सम्मान दिया, मैंने कहा साथ काम करेंगे, हम पांचों उंगलियां बराबर हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे लिए ब्लॉक कार्यकारिणी का सदस्य उतना महत्वपूर्ण है जितना प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य, जनपद का भी उतना महत्व, लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि जब ब्लॉक की बारी आएगी तो उसका दम दिखना चाहिए, मंडल की आएगी तो उसका दम दिखना चाहिए, जनपद की आएगी तो उसका दम दिखना चाहिए। और दम मैंने बता दिया अहंकार वाला दम नहीं, उसके अंदर क्षमता हो, कार्यकुशलता हो, ऐसा व्यक्तित्व हो कि सामने वाले को लगे कि राज्य के शिक्षक संगठन का क्या है, कोई अध्यक्ष आ रहा है, कोई कार्यकारिणी का क्या आ रहा है, सदस्य आ रहा है। ये मेरी अभिलाषा भी है और इच्छा भी है। खाली वो तख्ती लटका दी गले में, मैं फलाना अध्यक्ष हूँ, फलाना मंत्री हूँ, और घूमते रहे और खाली लटके झटके दिखा, लटके झटके से संगठन नहीं चलता है। मैंने आपको बताया, हम अध्यापक हैं, हमारी अपनी गरिमा है, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व तो शानदार आपके पदाधिकारी का होना चाहिए। मेरे कहना जरूर है आपको, शानदार व्यक्तित्व होना चाहिए कि हाँ ये शिक्षकों क्या है, प्रतिनिधित्व है। खाली अहंकार मैं अध्यक्ष, मैंने कोई नहीं पूछता किसी को, जिसे पैदा किया हमने जो बेटा है, अगर उसे जोर से तू तड़ाक बोलेंगे, बोलेंगे किस तरह पापा आया, किस युग के आदमी हुआ,